दोस्तों, अगर आपके भी SBI योनो एप्लीकेशन पर लॉगिन करते वक्त इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए पूरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, ताकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके SBI योनो एप्लीकेशन पर ना आए, राइट? तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, और सिर्फ यही नहीं, और भी कोई प्रॉब्लम एरर की आती हैं वो भी आज आप सॉल्व कर लेंगे इस एक टेक्निक से, राइट? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन जैसे कि ये रहा हमारा SBI योनो का एप्लीकेशन, तो इस पर नहीं, यहाँ जो सेटिंग का एप्लीकेशन है, सेटिंग का आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है। अपने डिवाइस के सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, या फिर ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर चले जाना है, ठीक है? और उस पर जाने के बाद यहाँ पर जितने भी ऐप आपने इंस्टॉल किए हैं या फिर प्री इंस्टॉल्ड हैं वो सारे ऐप यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। उसमें से आपको चूज़ करना है आपका SBI योनो वाला एप्लीकेशन, ठीक है? तो मैं चूज़ कर लेता हूँ SBI योनो वाला एप्लीकेशन, ये रहा हमारा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टोरेज यूसेज का, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस जो है, इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ जो कैचेस हैं ये क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर क्लियर डेटा को भी चूज़ कर लेना है। तो ऐसे क्लियर हो जाएंगे सारे कैचेस और डेटा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, अगर मान लीजिए ये सारे ऑप्शन आपके डिवाइस में नहीं है, आपके मोबाइल में, तो एक और तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आने का। उसके लिए आपको ये जो SBI योनो का एप्लीकेशन है उसको प्रेस एंड होल्ड करना है, 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, और ऐप इन्फो पे क्लिक कर लेना है, और फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे भी आप क्लियर कैचेस कर सकते हैं और क्लियर डेटा कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप SBI योनो का एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट हाँ, इसके बाद आपको और कोई एरर नज़र नहीं आएगा। और ये जो एरर आपने देखा, ये जनरली कब आता है ऐसा एरर, जब आप कोई भी पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं या अपना नाम डाल रहे हैं, उस वक्त कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया है आपने, तो ही ये एरर आता है। स्पेशल स्पेशल